हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके में तुम आपका फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रश्न है हमारा कि 200 तक 13 से कटने वाली कितनी संख्या होगी। तो 200 तक बोल रहा है कि सिंपल है आपको कि एक से बोल रहा है, एक से लेकर के 200 तक के बीच में, यानी कि 200 तक बोल रहा है कितनी संख्या होगी जो आपका 13 से कटने वाली होगी। तो करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, करेंगे कि आप लोग 200 में सिंपली करेंगे कि आप लोग 13 से करेंगे भाग। तो 200 में जब 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 एकम कितना होगा आपका 13, 7 बचेगा आपका, 7 पे 0 होता 70 और 13 पच्चे कितने होता आपका 65, तो बचे कितना आपका 5। तो आपको जो कैरी बचता है यानी हासिल जो बचते हैं उसको नहीं लेना है, क्योंकि आगे तो आपका पॉइंट में। तो 200 तक में 13 से जो भाग लगेगा आपका केवल कितना होगा 15, हालांकि भाग देने बस का 15 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल आंसर होगा वो आपका 15 होगा। यानी कि 200 तक में 13 से भाग देने वाली कितनी संख्या होगी, तो आपका 15 संख्याएँ होगी, यही क्या आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये था मोर टाइप नंबर पहला। अब चलते हैं हम टाइप नंबर दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर यहाँ पे तक पूछेगा या से पूछेगा या बीच में पूछेगा, यहाँ पे क्या बोला 200 से, यानी कि 200 लेकर के 200 को भी लेना है, 500 तक यानी कि 500 को भी लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर तक पूछेगा, ठीक है ध्यान देंगे आप लोग, तक पूछेगा तो पहले वाले में से एक माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल कहाँ से कहाँ पूछ रहा है आपको 200, तो 200 लिखने हैं सिंपल आपको। कहाँ तक पूछ रहा है 500, तो 500 भी लिख देने आपको इस तरह। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20 से कटने वाली, तो कुछ नहीं करना है, 200 से बोल रहा है 500 तक बोल रहा है, तो पहले वाले में से तक बोलेगा तो एक को माइनस करेंगे हम। जब एक को माइनस करेंगे तो 200 माइनस से कितना होगा 199 होगा आपका, तो सिंपली कितना वहाँ पे 199 होगा, एक को ही माइनस करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा सिंपली 500 तो 500 कर देंगे। अब बोल रहा है 20 से कटने वाली, तो 20 से सब में क्या करेंगे भाग करेंगे, यहाँ भी 20 में भाग करेंगे और यहाँ से भी 20 से भाग करेंगे हम लोग। जब इसको आप 20 से भाग करेंगे तो आपका कितना होगा 25 होगा आपका, और जब इसको आप भाग करेंगे तो इसका जो आंसर है आपका लगभग 20 नवा कितना होता है आपका 180 होता है, यानी कि 9 बार में आएगा। 20 दहा करेंगे 200 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 200 से क्या है कम है, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। तो आपको पॉइंट में नहीं लेने हैं, आपको टोटल नंबर लेने हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कितनी संख्या होगी, तो बहुत ही आसान है और सिंपल है, ध्यान देंगे जितने भी पूछेगा आपसे बड़े वाले में करेंगे क्या, जो भी संख्या बड़ी है कि 25 बड़ी है तो 25 माइनस में छोटी संख्या कितना है 9 है, तो 9 कर देंगे सिंपली। यानी कि 200 से लेकर के 500 तक में 20 से कटने वाली टोटल आपका 16 संख्याएं होगी। फिर समझेंगे हम लोग कैसे किया मैंने, 200 से पहले में से बोलेगा और दूसरे में तक बोलेगा, तो पहले वाले में से एक माइनस करेंगे और आपको जो भी संख्या से भाग देना हो भाग करेंगे, और याद रहे पॉइंट में भाग जाएगा आपका तो देंगे, लेकिन पॉइंट हमको इसमें काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को माइनस करते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। ये था टाइप नंबर दूसरा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा कि 500 से 1100 के बीच 30 से कटने वाली कितनी संख्याएं होगी। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, के बोल रहा है, पिछले वाले में क्या था हम लोग का तक था, के बोल रहा है तो यानी कि दूसरे में से माइनस करेंगे एक, यानी कि आपको हर हालत में एक को माइनस करने हैं। कैसे, कहाँ से कहाँ बोल रहा है 500 से, तो सिंपली आपको 500 लिखने हैं। ठीक है, और बटे में कितना करना है 30, क्योंकि 30 से एक भाग देने हैं तो 30 करेंगे सिंपली। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, 1100 है तो 1100 से कर देंगे हम लोग, 1100 है, बटे में कितनी करने हैं आपको यहाँ भी 30 करने हैं, और 1100 के बीच में बोल रहा है कि 1100 को नहीं लेना है, 1100 के बीच में लेने हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करना है आप एक को माइनस करेंगे, इसमें से एक को माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 0 से 0 कटेगा हमारा, और 3 से कटेंगे तो कितना होगा आपका, 3 से कटेंगे 16 कितने होते हैं आपका 48,
यहाँ पे 50 से आपका, लेकिन 17 तिया कितना हुआ 51 हो जाएगा, जो कि हमारा अधिक हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, लगभग लगभग 16 पॉइंट समथिंग आएगा। हमको केवल 16 को ही काउंट करने हैं, लेने हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर कितना होगा, 1100 में से एक को मास करेंगे तो कितना होगा आपका, 1099 ही तो होगा, बोलेंगे हाँ। बटे में करना कितना आपका, 30 से, है ना। जब 30 से मास करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा आपका, 36 बार में कटेगा, लगभग 36.5 के आसपास आएगा, यानी कि हमको दशमलव नहीं लेना है, 36 होगा। अब क्या मैंने बताया था कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वालों को सिंपली माइनस करने हैं, या बड़ी हो ये हो चाहे ये हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली करना क्या है, 36 माइनस है करने कितना आपका 16, तो आपका आंसर निकल गया कितना, 20। यानी कि 500 से लेकर के 1100 के बीच में 30 से कटने वाली आपका 20 संख्याएं होगी। यही क्या होगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दो अंकों की कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी। ये प्रश्न जो आपका SSC MTS 3 अक्टूबर 2017 का पूछा गया प्रश्न, सेम टू सेम आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। बोल रहा है दो अंकों की कितनी संख्या होगी जो कि 11 से विभाजित होगी। तो मैंने क्या बताया था, आप ध्यान देंगे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 99 होगी, और सबसे छोटी संख्या की बात करें क्या होगा आपका, 10। अब देखिए 11 से भाग लेने की बात कर रहा है, तो क्या 10 में आपका 11 से भाग लेगा, तो बोलेंगे नहीं लेगा। तो 99 में लेगा, तो बोलेंगे लगेगा, ठीक है। बहुत ही आसान था, 11 से इसमें भाग लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा हमें, 0 प्राप्त होगा, एक भी संख्या नहीं। लेकिन 11 से अगर 99 में भाग करेंगे कितना होगा हमारा, 9। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो आपका केवल और केवल 9 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 99 तक में 9 ही संख्या होगी जो कि आपका 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दो अंक को ही बोल रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, 3 अंक नहीं लेंगे। तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 ही तो होती है। आई होप कि आपको समय आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न क्या है, पहले ऐसा ही है, 38 और 125 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 38 से बोल रहा है, सिंपली पहले क्या करना है आपको, 38 लिखने हैं, कितने से भाग देने आपको, 6 से बोल रहा है, तो 6 से सिंपली 6 से भाग करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, 125 है तो 125 लिखेंगे फिर से, फिर करेंगे 6। अब समझना क्या है, ध्यान देंगे, बोल रहा है के बीच, इसके बीच में बोल रहा है 38 को लेना है और 125 के बीच में, ठीक है, 125 को नहीं लेना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक माइनस करने हैं, ठीक है। अब देखिए 6 से अगर आप 38 में भाग करेंगे, 6 के कितना आता है, कितना 36 होता है, 36 बचेगा आपका 2, जो कि आपका हुआ कितना, दशमलव में जाएगा, हमको दशमलव में नहीं लेने हैं, फिर से समझेंगे, दशमलव में नहीं लेने हैं तो कितना होगा, 6 होगा यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं इससे भाग करेंगे 124 में, 6 से अगर भाग करेंगे हम लोग 124 में तो कितना होगा, 20 छक्के होता है कितना, 120, 20 छक्का 120, बचेगा कितना आपका 4, ठीक है। 124 बटे में अगर आप करेंगे 6, ठीक है, तो कितना होगा, 6 दूनी 12, देखिए 6 दूनी कितना हो गया आपका, 12, और बचा कितना आपका 4, हालांकि दशमलव में आएगा, तो यानी कि 20 छक्का कितना होता है आपका, 120 छक्का 120 होते हैं, बचेगा कितना आपका, 4 बचेगा, केवल बचेगा ना, 4 बचेगा, 4 में 6 से भाग करेंगे आपका दशमलव में चले जाएगा, जो कि हमको दशमलव में नहीं लेने हैं, तो यहाँ से कितना हमको प्राप्त हुआ, 20। अब मैंने क्या बताया था कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को माइनस करेंगे, यानी कि 20 माइनस का 6 करेंगे तो आंसर है कितना आपका, 14। यानी कि 38 से 125 के बीच में आपका 14 ही ऐसी संख्या होगी जो कि 6 से हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग, आखिरी देखेंगे आप। प्रश्न है कि 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिएगा थोड़ा सा मैं चेंज किया हुआ कि 13 से विभाज्य होने वाली पूछा है, वो भी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, ये तो होती है। अब बोला 13 से विभाज्य, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 13 से इसमें करेंगे भाग, ठीक है,
जब 13 से भाग करेंगे तो 13 सत्ते कितना होता है आपका 91, 13 से 91 को माइनस करेंगे कितना होगा 8, उस तरह का 9, फिर 13 छः कितना होता है आपका, 13 छक्के होते हैं कितना 78, कितना बचेगा आपका 1 और 1 11, ये 11 क्या होगा आपका शेषफल हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि हमसे बोला तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 13 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, तो सिंपली करना कुछ नहीं आपको, 999 में से आप इस शेष को जितना ही बचा हमको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो कितना होगा 8 और 9, क्लियर है, यानी कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 988 होगी जो कि आपका 13 से क्या होगी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो कि 13 से विभाजित होगी, तो 999 में सिंपली करना क्या है आपको 11 को जोड़ देने हैं, यहाँ पे जोड़िएगा 999 प्लस का 11 जोड़ेंगे तो 9 × 10 और 9 × 10 से 11 और 9 × 10 सही तो है, 9 × 10 का 0 यहाँ से बचेगा 1, 9 × 10 से 11 1, 9 × 10 यानी कि 1010, ये संख्या होगी आपका तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी चार अंकों की जो कि आपका 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। सॉरी एक आप मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, सॉरी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आप 988 में 13 को जोड़ करेंगे इतना कि 988 अब प्लस करेंगे कितना होगा 13, 8 × 3 कितना होगा 11 का 1 और 8 × 1 9 × 10 का 0 आंसर बचेगा 1 और 9 × 10 सही है, यानी कि 1001 जो संख्या होगी वो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो कि आपको 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।